दोस्तों, अगर आप अपने घर में नया बिजली का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, नया मीटर लगवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं तारिक अंसारी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल साइबर एडवाइस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है, अगर आप अपना न्यू मीटर नया बिजली का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो है दो तरह, तो दिल्ली के अंदर जो है एक कंपनी है BSES जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, आपको बिजली का नया कनेक्शन देती है। तो BSES के अंदर भी दो कंपनी है, बीएस के दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला जो है BSES राजधानी पावर लिमिटेड एंड दूसरा जो है BSES यमुना पावर लिमिटेड। ऑनलाइन सर्विस के दोनों ही कंपनी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन सर्विस पर आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होता है हमें कि हमें एक ऑनलाइन यूजर आई डी एंड पासवर्ड क्रिएट करनी पड़ती है। इस यूजर आई डी एंड पासवर्ड क्रिएट करने से आप क्या क्या ऑनलाइन कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो है कि आप एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू रिक्वेस्ट मींस नया मीटर लगवाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप नया मीटर, दोस्तों अगर आप ऑनलाइन न्यू मीटर अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो उसके अंदर करना क्या होता है कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है एंड साथ ही साथ आपको ऑर्डर नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों वहीं यूजर आईडी पासवर्ड जब आप दोबारा लॉगिन करोगे आफ्टर वेरिफिकेशन, जैसे ही आपके घर में JEE आता है, वेरीफाई कर देता है, तो आप अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक दिन बाद लॉगिन करें और वहां से जाकर न्यू रिक्वेस्ट से नीचे लिखा होगा ऑर्डर स्टेटस, वहां पर आप अपना ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई होगी तो उसी के नीचे जो है डिमांड नोट व्यू का ऑप्शन आता है और डिमांड नोट पे का ऑप्शन आता है। तो डिमांड नोट पे आपको उसी अकॉर्डिंग करना है जितने किलोवाट आपने जो है बिजली मीटर अप्लाई करते समय करा होगा। तो दोस्तों जितना भी डिमांड नोट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा उसे आप ऑनलाइन पे कर देंगे। जब आप ये पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो बिजली का मीटर है आपके घर पर लग जाता है। और दोस्तों अगर आप जो है मीटर लगवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी जो है आपके फैमिली मेंबर में से किसी के नाम पे, मम्मी या पापा के नाम पे है, तो इस केस में जो करना क्या होता है, आपको एक NOC डाउनलोड करनी पड़ती है। NOC डाउनलोड करने के बाद उससे एक नोटरी से अटेस्ट करवाना पड़ता है और 10 रुपए का स्टैम्प पेपर भी लगवाना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है आप अपने मम्मी या पापा जो भी जिनके नाम से प्रॉपर्टी है उस पर सिग्नेचर करके NOC साइन करवा लेते हैं। और ऑनलाइन जो सर्विस है उसके अंदर सारी डिटेल अपनी डालेंगे, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे तो आप अपनी डिटेल डालेंगे, बस जहाँ प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ अपलोड होने हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी पेपर आपके मम्मी या पापा के डालेंगे और अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको NOC अपलोड कर देनी है। और NOC का लिंक जो है BSES राजधानी है और BSES यमुना पावर लिमिटेड, दोनों का ही लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से NOC का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस बिजली का मीटर अप्लाई करने के लिए। एंड साथ ही साथ आप जो है ऑनलाइन सर्विस के अंदर दूसरी भी सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि चेंज रिक्वेस्ट के अंदर उसी ऑनलाइन अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, एक ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या है आपको कि नीचे उसी के स्टेप के नीचे आ जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में करके भी दिखाऊंगा, लाइव ऑनलाइन मीटर अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी दिखाऊंगा एंड साथ साथ जो है सारी सर्विसेज जो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है जो चेंज रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपका किलोवाट ज़्यादा है, यानी कि 3 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है, आप उसे कम करना चाहते हैं 2 किलोवाट या 1 किलोवाट, तो भी कर सकते हैं। या फिर आपका डोमेस्टिक है और उसे आप कमर्शियल करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप जो है टेम्प्रोरी मीटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके बिजली के मीटर में नाम जो है करेक्शन है या फिर एड्रेस करेक्शन है, तो ये चीज़ भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड वीडियोज जो है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज का अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों हमें अपने ब्राउजर के अंदर टाइप करना है BSES न्यू कनेक्शन।
और हम आ जाएंगे BSES की ऑफिशियल वेबसाइट पर। BSES राजधानी एंड BSES यमुना दोनों का ही ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर जो दिखा रहा है BSES राजधानी का, एंड नीचे जो शो कर रहा है वो BSES यमुना का है। तो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट जो है इस होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज जो है कुछ इस तरीके का खुलेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर जो है न्यू यूजर, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको न्यू यूजर न्यू आईडी बनाने का। तो यहाँ पर न्यू यूजर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिवीजन, डिवीजन के अंदर जो है आपको सेलेक्ट करना है डिवीजन अपने एरिया का। अगर आपको पता नहीं है क्या सेलेक्ट करना है तो आप जो है अपने पड़ोसी का बिल देख सकते हैं, या आपके घर में कोई पुराना बिल आता हो तो उसमें डिवीजन लिखा रहता है। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक यूजर नेम चॉइस कर लेना है। यूजर नेम जो है स्मॉल अल्फाबेट में यूज करना है, साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिक भी यूज करने हैं। यानी कि अगर आपका नाम है रोहित कुमार तो आप उसमें स्मॉल वर्ड में स्मॉल अल्फाबेट के अंदर ROHIT रोहित 1234 इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। अगर वो यूजर नेम बना सकते हैं इस तरीके से, यूजर नेम अगर वैलिड होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो आप उसमें जो है न्यूमेरिक और ऐड कर सकते हैं, या फिर ABCD कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका यूजर नेम सही होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी है और एक वैलिड मोबाइल फोन डालना है। तो मैंने एक वैलिड ईमेल आईडी डाल दी है और यहाँ पर जो है एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर वही डाले जो आपके पास अवेलेबल हो और एक्टिवेटेड हो, क्योंकि OTP आता है। अब यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट नेम फिल कर देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। तो फर्स्ट नेम में अगर जैसे आपका नाम है रोहित कुमार तो फर्स्ट नेम में रोहित आ जाएगा और लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। अगर आपका नाम जो है सिर्फ प्लेन रोहित है, अगर लास्ट में कोई नेम नहीं है, तो आपको करना क्या है कि नाम आपका फर्स्ट नेम सिर्फ लिख लेना है रोहित, और उसके बाद जो है लास्ट नेम में आपको NA लिख देना है। NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, तो NA हम टाइप कर देंगे अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है तो। लास्ट नेम फिल करने के बाद हमें फिर जो आ जाना है पासवर्ड वाले कॉलम में। यहाँ पर हमें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपने यूजर नेम के लिए, और यूजर नेम हमें याद रखना है या किसी जगह लिख लेना है। पासवर्ड जो हमें बनाना है वो भी स्मॉल में अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक का यूज करके बनाना है। सैंपल के लिए अगर आप बनाना चाहेंगे तो अल्फाबेट चार यूज करने हैं, जैसे कि SEDA स्मॉल में यूज कर लिया, प्लस 1234 SEDA 1234 इस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें अल्फा न्यूमेरिक हो और स्मॉल में यूज करना है, कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP रिसीव होगा। तो दोस्तों ये यूजर आईडी जो है आपको कई काम में यूज आने वाली है। जैसे कि आप जो है न्यू मीटर लगवाना चाहते हैं तो भी इस यूजर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से जब नेम चेंज, अगर आपको अपने बिजली के मीटर में नेम चेंज करना हो, लोड चेंज करना हो, एड्रेस कनेक्शन चेंज एड्रेस का करेक्शन करना हो, कैटेगरी चेंज करना हो, रिक्वेस्ट स्टेटस जानना हो, या डिमांड नोड की व्यू करना हो, तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आकर आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे हम जो सबमिट पे क्लिक करेंगे जो OTP है हमारे इस मोबाइल नंबर आ चुका है, और यहाँ पर जो है हम OTP को फिल कर देंगे और यहाँ पर जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा और एक नया इंटरफेस पेज का ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है OTP को सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दिया है। जो OTP है बिल्कुल कन्फर्म वही फिल करना है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया है, नहीं तो OTP मैच नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से जो है आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपको जो है नया मीटर लगवाने के लिए क्रिएट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट स्टेटस यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्म का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ से डिमांड नोट व्यू भी कर सकते हैं, यानी कि प्राइस कितना वो आपको पे करना है वो व्यू करके देख सकते हैं। एंड डिमांड नोट पे यहीं से ही आपको घर बैठे आप ऑनलाइन जो है डिमांड नोट का पेमेंट का भी ऑनलाइन यहीं से ही पे कर ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से पे कर सकते हैं। जब डिमांड नोट व्यू करेंगे अगर आपकी एप्लीकेशन न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक्सेप्ट हो जाएगी तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से डिमांड नोट पे वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करके पे कर देना है।
और दोस्तों जैसे कि आपको कोई करेक्शन करवाना हो, जैसे कि नेम चेंज करवाना हो अपने मीटर के अंदर, अपने बिजली के बिल के अंदर, तो यहाँ से अप्लाई कर देना है आई वॉ। एंड लोड अगर चेंज करवाना हो, लोड का मतलब जैसे कि 2 किलोवाट का हो तो 1 किलोवाट का करवाना हो, या फिर 1 किलोवाट का तो 2 किलोवाट, तो भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको तो दोस्तों हमें जो है न्यू मीटर अप्लाई करना है, तो रिक्वेस्ट क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर किलोवाट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जो है अप टू 10 किलोवाट हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है डोमेस्टिक मीटर रिक्वायर्ड है, हम डोमेस्टिक मीटर लगवाएंगे। तो यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये है न्यू मीटर अप्लाई करने का पूरा कम्प्लीट फॉर्म। इसके अंदर जो है हमें 6 स्टेप कम्प्लीट करने होते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर जो है आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट के अंदर से। और जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जो है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल और दूसरा ऑप्शन है फर्म। अगर आप इंडिविजुअल यानी कि कोई नॉर्मल पर्सन है, अगर कंपनी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल आएगा। अगर आप अपनी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं BSES का कनेक्शन, तो आप फर्म पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करने का। टाइटल आप अपने नाम के आगे जो भी टाइटल लगवाना चाहते हैं, मिस्टर मिस मिसेस जो भी लगवाना चाहते हैं, वो इस लिस्ट के अंदर से आपको सेलेक्ट कर लेना है टाइटल। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर आपका नेम फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है ललन यादव, तो फर्स्ट नेम में आपका आएगा ललन, और लास्ट नेम के अंदर जो लास्ट वाला नेम है उसको भी फिल करना जरूरी है, तो लास्ट नेम में यादव आएगा। और अगर आपका नाम सिर्फ ललन है, लास्ट में यादव नहीं है, कोई भी नेम लास्ट में नहीं है, लेकिन नेम जो लास्ट नेम जो है वो फिल करना ही होता है, वो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको NA टाइप कर देना है। अब यहाँ पर जो है उसके बाद ऑप्शन आ जाता है जेंडर सेलेक्ट करने का, तो जेंडर में आपको यहाँ पे लिस्ट के अंदर से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। देन उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है रिलेशन टाइप। रिलेशन टाइप के अंदर जैसे आप अपने किसका नाम डालना चाहते हैं, फादर का नाम डालना चाहते हैं, हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ और सन ऑफ 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से जो भी आप लगाना चाहते हैं, जिनका भी नाम ऐड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम फिल कर देना है। लड़का है तो अपने पापा का नाम डालेगा, और लेडीज है तो अपने हस्बैंड का नाम डालेगी, और अपने फादर का भी नाम डाल सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको फादर या हस्बैंड नेम 2 ऑप्शन है, इसके अंदर में से कोई सा भी एक नेम फिल कर देना है। उसके बाद जो है आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के अंदर जो है आप किस तरीके का काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं या नहीं करते, वो इस लिस्ट के अंदर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरी लिस्ट है, BSES एम्प्लॉय, कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, अदर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो जो भी आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर में से हाउसवाइफ है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ऊपर शो होगा, तो यहाँ पर नीचे जो है आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी डाल देना है फ्यूचर के लिए, कि आपको बिल जो जनरेट हो जाता है व्हाट्सएप पे हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ तक सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट कर ले रहा हूँ। सेव एज ड्राफ्ट करने का इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाता है, और ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कम्प्लीट हो गया। अब जो है सेकेंड ऑप्शन, 6 स्टेप्स में से फर्स्ट कंप्लीट हो गया, हम सेकंड ऑप्शन में आ गए। सेकंड ऑप्शन के अंदर जो है आपको यहाँ पर गाइस एड्रेस डालना है पूरा कंप्लीट। एड्रेस के अंदर जो है आपको प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर जो भी एड्रेस है बिल्कुल सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एड्रेस फिल कर लेना है। यहाँ पर एड्रेस आपको कंप्लीट करने के बाद जो है नीचे वाले बॉक्स के अंदर आ जाना है।
यहाँ पर आपको अपना एड्रेस कंप्लीट फिल कर लेना है और अपना एरिया का पिन कोड जो है सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस के अंदर भी आपको जो चेक बॉक्स दिया हुआ सेम एज पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो ऊपर वाला एड्रेस है वो बिलिंग एड्रेस में भी आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे जो है आपकी एप्लीकेशन यहाँ तक सेव हो जाएगी और इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, अब हमें थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्लास ऑफ प्रेमिस कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर से आपको पूरी लिस्ट है किस तरीके का कनेक्शन आपको चाहिए, तो वो इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक है, अगर कमर्शियल चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए, तो इसी के अंदर जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डोमेस्टिक प्लॉट के अंदर लगवाना है, डोमेस्टिक अपने घर पे लगवाना है या फिर हॉस्पिटल में लगवाना है, तो सारे लिस्ट इसके अंदर से है। आप इसको स्लाइड डाउन करके सारी के सारे जितने भी टाइप ऑफ कनेक्शन होते हैं वो लिस्ट इसमें शो हो जाएगी, तो आपको जो भी लगवाना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें डोमेस्टिक अप्लाई करना है नॉर्मली, तो हम यहाँ पर जो है डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर टाइप करना है कनेक्शन टाइप। कनेक्शन टाइप के अंदर भी लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट के अंदर जो है चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन के अंदर BSES एम्प्लॉय, CGHS, DDA जनरल कैटेगरी एंड टेम्प। तो हम यहाँ पर जो है अपनी जनरल कैटेगरी पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप BSES एम्प्लॉय तो BSES सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पर हमें किलोवाट सेलेक्ट कर लेना है, कितने किलोवाट का जो है हमें कनेक्शन लगवाना है। या अब हमने स्टार्टिंग में जो है 10 अप टू 10 किलोवाट तक का सेलेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पर जो है हम 10 किलोवाट तक टाइप कर सकते हैं। तो हमें लगवाना है 2 किलोवाट का, तो 2 किलोवाट हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन आ गया न्यू कनेक्शन चाहिए या एग्जिस्टिंग कनेक्शन चाहिए, यानी कि अगर आपको नया कनेक्शन लगवाना है, और एग्जिस्टिंग कनेक्शन यानी कि आपका कनेक्शन किसी वजह से कट चुका था तो और उसे दोबारा लगवाना है तो आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नया कनेक्शन लगवाना है तो आप न्यू वाले कनेक्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप न्यू कनेक्शन पर सेलेक्ट करेंगे फिर दो ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है परमानेंट कनेक्शन चाहिए या टेम्प्रोरी कनेक्शन चाहिए। परमानेंट कनेक्शन जो हमेशा के लिए रहेगा, टेम्प्रोरी कनेक्शन जो आप थोड़े दिन के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आपका घर बन रहा हो, बाहर एमरजेंसी के लिए लाइट चाहिए आपकी 2-3 महीने के लिए, तो वो टेम्प्रोरी कनेक्शन हो जाता है। हमने परमानेंट कनेक्शन चॉइस कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ एरिया, आपका एरिया किस तरीके का है वो इस लिस्ट के अंदर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है तीन ऑप्शन है आपके सामने, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, अदर, गवर्नमेंट हाउस, DDA फ्लैट, CGHS फ्लैट्स। तो आपका फ्लैट्स है, झुग्गी झोपड़ी ही अदर्स है, तो हम अदर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अनऑथराइज कॉलोनी है हमारी, तो अदर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आपका जैसा भी रहेगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है टाइप ऑफ प्रेमिसेस, प्रेमिसेस ये सेलेक्ट कर लेना है, टाइप ऑफ प्रेमिसेस। तो इसके अंदर भी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ऑन रेंटेड, कंपनी प्रोवाइडेड, कंपनी ने आपको दिया है आपका घर, या आपने परचेस कर रखा है ऑन ऑन, या रेंट पे हैं आप रेंट, तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड, अगर गवर्नमेंट ने आपको दिया है, या फिर अदर किसी भी तरीके से आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो आप जो है इस लिस्ट के अंदर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम जो है ऑन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर जिसके नाम पर है उन्हीं के नाम पर हम मीटर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है बिलिंग टाइप। बिलिंग टाइप के अंदर जो है आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है प्रीपेड एंड पोस्ट पेड। प्रीपेड के अंदर आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले बिल भरना होगा, यानी कि रिचार्ज का टाइप होता है, रिचार्ज करना होगा, उसके बाद जो है आपका कनेक्शन चलेगा। और पोस्ट पेड का मतलब होता है कि आप यूज करेंगे और उसके बाद हर महीने जो बिल बन के आएगा फिर आपको पे करना होगा। तो आप प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली लोग ज्यादा पोस्ट पेड सेलेक्ट करते हैं कि बिल बन के बाद में बिल भरेंगे, प्रीपेड के अंदर आपको पहले बिल भरना पड़ता है। अब यहाँ पर है एक और आ जाता है ऑप्शन मीटर चॉइस। अगर आप मीटर अपना लगवाना चाहते हैं या BSES का, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। BSES मीटर लगवाएंगे तो आप BSES कंपनी की तरफ से मीटर लगेगा आपका, तो वो चॉइस कर लेना है। एप्लीकेंट में मीटर सेलेक्ट करेंगे तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी एक प्राइवेट मीटर जो ISI अप्रूव्ड होना चाहिए वो आप मीटर अपना खरीद के ला सकते हैं और कनेक्शन BSES से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल के अंदर
जो है आपको एलटी सेलेक्ट कर लेना है। डोमेस्टिक के लिए एलटी ही यूज होता है, आप किसी का भी अपने पड़ोसी का बिल देख सकते हैं उसके अंदर एलटी लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको एलटी सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और फेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। अब फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर जो है आपको तीन ऑप्शन है, आधार नंबर, पैन नंबर एंड वोटर आईडी कार्ड नंबर। जो भी आप एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं आईडी प्रूफ के अंदर, तो वो उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजन आपको बताना है कि क्यों मीटर पर्पज ऑफ न्यू कनेक्शन, एंड यहाँ पर आपको रीजन डाल देना है, एक नोट लिख देना है कि क्यों आपको रीजन, क्यों नया कनेक्शन चाहिए, या आपने न्यू प्रॉपर्टी खरीदी इस वजह से चाहिए, या फिर आपके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है इस वजह से चाहिए। जो भी रीजन होगा आपको इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिख देना है, टाइप कर देना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ई एल सी बी इंस्टॉल्ड और नॉट। तो आपको अगर 2 किलोवाट या उससे ऊपर का कनेक्शन चाहिए तो आपको अपने घर में ई एल सी बी इंस्टॉल करवा लेना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सेफ्टी पर्पज के लिए, और 2 किलोवाट के लिए जो कंपल्सरी होता है। तो यहाँ से फिर आपको ये एस करने के बाद सेव एस ड्राफ्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें आ जाना है, 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वाले स्टेप पर आ जाना हमें 4th स्टेप के अंदर। 4th स्टेप के अंदर हम जब आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमें फोटो प्रूफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली आपको अपना सिग्नेचर और एक फोटो स्कैन कर लेना है आपके प्रिंटर की हेल्प से। तो दोस्तों यहाँ पर 4th स्टेप आ गया है, यहाँ पर जो है आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले जो है हम अपना फोटो एक अपलोड कर लेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो जो हमने स्कैन करके डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था, और ये जो है इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा, अपलोड सक्सेसफुली। और उसके बगल में जो लिखा हुआ है व्यू डॉक्यूमेंट, आप व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन है 4th स्टेप के अंदर, सिग्नेचर अपलोड ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर जो है आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके भी नाम से जो मीटर लगवाना है उनका सिग्नेचर जो है यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फिर से अपलोड पर क्लिक करेंगे फाइल सेलेक्ट करने के बाद, और इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करके यहाँ पर यहाँ तक एप्लीकेशन सेव कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5th स्टेप। 5th स्टेप के अंदर जो है हमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिखा है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एनी वन इन जेपीईजी जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट। इन 3 फॉर्मेट के अंदर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी प्रूफ, पैन कार्ड। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपके आईडी प्रूफ के लिए हो, जिसके अंदर जो है आपका नाम बिल्कुल करेक्ट हो, वही आप बिजली के मीटर में उसी नाम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है नॉर्मली किसी भी फॉर्मेट के अंदर। 3 फॉर्मेट अवेलेबल है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है आपकी फाइल इस तरीके से अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुली दिखाएगा, और यहाँ से जो है आपको डॉक्यूमेंट व्यू करके एक बार चेक कर लेना है। तो हमने यहाँ पर जो है अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर दिया सक्सेसफुली। फिर हमें स्लाइड डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन जो है हमारा अंडर ओनरशिप प्रूफ। यहाँ पर जो है आपको अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रूफ यहाँ पर शो करना पड़ेगा, आपका जो भी रजिस्ट्री है आपके नाम पर, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर जो है आपको, अगर आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जितने भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की पेज है उनको सबको स्कैन कर लेना है फोटोकॉपी करके, और उसे सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। और आपको जो है यहाँ पर जीपीए की चेन भी लगानी है, यानी कि ओल्ड चेन, जैसा कि आपने जिससे खरीदा था उसके जीपीए, और जिस आपने जिससे खरीदा था उन्होंने भी किसी से खरीदा होगा। तो इसी तरीके के 3 या 4 जो है, अगर आपके पास जितनी भी चेन अवेलेबल है पुरानी से पुरानी, तो वो आप सारे के सारे पेज जो है फोटोकॉपी करके, उसे सेल्फ अटेस्ट करके, स्कैन करके जो है पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करके, उसे मर्ज करके फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो है 5 MB तक की फाइल जो है आपके पास एक्सेप्टेबल है, आप यहाँ पर 5 MB तक की फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने सारे पेजेस जो है जीपीए के अपलोड करने के लिए स्कैन करके सबको मर्ज कर दिया पीडीएफ में, और यहाँ पर जो है आप अपलोडिंग पे लगा दिया है। तो यहाँ पर जो है मेरा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ से जो है मैं अपना डॉक्यूमेंट व्यू भी कर सकता हूँ। व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पर लाइन से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से जो पेज हैं वो अपलोड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फाइल एक में ही मैंने स्कैन करके इस तरीके से अपलोड कर दी है।
सारे पेज पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने कन्वर्ट करके और पुराने जीपीए चेन के साथ अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन और आता है अदर डॉक्यूमेंट का। तो दोस्तों वहाँ पर जैसे कि आपके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है, आपके मम्मी पापा के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो फिर यहाँ पर जो है आपको एनओसी अपलोड कर लेनी है अदर डॉक्यूमेंट के अंदर। एनओसी का जो लिंक आपको है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनओसी क्यों लगानी है वो भी आपको पता है कि अगर आपके मम्मी पापा के नाम पर प्रॉपर्टी है तो आपको जो है एक एनओसी चाहिए होता है, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से अटेस्ट होना चाहिए। तो एनओसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एनओसी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सेवेज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपका अब जो है छठा ऑप्शन आ गया है फाइनल स्टेप। यहाँ पर जो है आपने जितनी भी डिटेल डाली थी आपके एड्रेस की नाम की, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है और इस चेकबॉक्स पर टिक कर लेना है। नाम और एड्रेस बिल्कुल सही तरीके से आप चेक कर लें ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर जो है फाइनल आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर लेंगे आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाता है जहाँ आप रिक्वेस्ट स्टेटस के अंदर आप अपने ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। जैसे आप ये कर लेंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपके घर पे जो है एक जेई विजिट करेगा, वो वेरीफाई करेगा आपका एड्रेस एंड जो है आपको घर पे एक स्टिकर लगाकर चला जाएगा। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे BSES ऑफिस के अंदर। अगर सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रिपेयर ओके रहेंगे तो फिर आपके पास जो है डिमांड नोट जनरेट हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस पर आप चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, या फिर कोई भी कमी होगी डॉक्यूमेंट के अंदर तो डिस्क्रिपेंसी फाउंड का SMS भी आ जाएगा। और जब आपका मैसेज आ जाएगा कि एक्सेप्टेड हो चुका है तो आप जो है मैंने जहां बताया था ऑप्शन डिमांड नोट व्यू वाले ऑप्शन पे, डिमांड नोट व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो है डिमांड नोट जनरेट कर लेना है। और उसके बाद डिमांड नोट पे पे जाकर आपको जो है डिमांड नोट की जितने भी धनराशि है, 1 किलोवाट की लगभग 4200 रुपये के करीब होती है, 2 किलोवाट की 4800 रुपये के करीब। जैसे जैसे आपके किलोवाट बढ़ते जाएंगे वो जो है प्राइस बढ़ता जाएगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी पेमेंट कर देंगे। आप जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो आपके घर में 1 हफ्ते के अंदर जो है मीटर लग जाता है, मीटर लग जाएगा आपका। तो उसके बाद जो है आपको ये जब आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया तो इसको जो BSES की जो तरफ से जो ऑर्डर आईडी जनरेट हुई थी उसका जो रिसिप्ट है वो भी आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है, ताकि आपको जो है ऑर्डर आईडी अगर भूल भी जाए तो इसमें से देखकर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना न्यू कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड कोई भी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।